Last class we discuss about the theories of translocation of organic solute. In continuation of this topic, in this class we discuss about the mechanism of translocation of the organic solute. The most accepted theory is Munch-Plow hypothesis and mechanism is based upon that theory. There are three steps of mechanism of translocation. First is loading of organic solutes. Second unloading of organic solute at sink and third is translocation of सोल्यूट्स, लोडिंग ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स। लोडिंग किसी भी चीज को उसके अंदर पुट करना जैसे कोई भी सामान है, कोई भी आ, किसी भी चीज में जैसे ट्रक वगैरह में आप क्या करते हैं नॉर्मली ये बोलते हैं कि सामान की लोडिंग हो रही है तो इसी टाइप से लोडिंग वर्ड जो होता है किसी भी चीज को किसी भी थिंग को किसी भी कि कोई भी एनी है उसको किसी भी उसमें पुट इन करना

क्लोरोप्लास्ट में होगी और क्लोरोप्लास्ट मिजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होगा तो इट मीन्स जो फोटोसिंथेट्स बनेंगे जो फॉस्फेट्स बनेंगे या ग्लूकोज बनेगा वो किस में बनेंगे मिजोफिल सेल्स में बट जो ट्रांसलोकेशन होगा वो होगा फ्लोएम के थ्रू तो यहां पे जो मिजोफिल सेल और जो फ्लोएम के बीच में डिस्टेंस है जो फोटोसिंथेट्स बन रहे हैं मिजोफिल सेल्स में इसको ट्रांसलोकेट करना पड़ेगा फ्लोएम सेल्स के सीव ट्यूब

Synthesis in the mesophyll cells trans, uh, in the form of sucrose, converted in the form of sucrose and then transported to the sieve tube elements through phloem parenchyma cells and phloem parenchyma cells and companion cells. So this is a this translocation from. सिंथसिस टिश्यू टू द सोर्स टिश्यू इज शॉर्ट टर्म शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बट वेन दिस ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस फ्राम दिस सोर्स सिव ट्यूब सेल टू दिंक ट्यूब सेल मीन्स जैसे सिंथेसिस कहां पे हो रही है लीफ में हो रही है रिक्वायरमेंट सपोज करो रूट में है नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट है रूट अपना जो फूड है वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर रही रूट को रिक्वायरमेंट है तो लीफ से अगर रूट में ट्रांसलोकेशन होगा तो उसके बीच में लार्ज डिस्टेंस है ऐसे ही अगर लीव्स हैं जो उनसे फ्रूट्स में या फ्लावर में हो रहा है तो कंपेरेटिवली जो डिस्टेंस है वो लार्ज है तो ये जो ट्रांसलोकेशन है मीन्स फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक इसको बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तो जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस है जो लोडिंग की प्रोसेस है उसमें दोनों पाथवे इन्वॉल्व है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट इज अनलोडिंग ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट और फ्लोएम अनलोडिंग मींस जो उसमें पैक किया था पर्टिकुलर टिश्यू में या जो भी पर्टिकुलर कार्टेज उसमें जो सामान जो भी कोई भी थिंग है जो भी सोल्यूट है किसी भी उसके फॉर्म में जो भी उसमें पैक किया था उसको वापस से उसमें से निकालना दैट इज कॉल्ड अनलोडिंग ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट अनलोडिंग किस फ्लोएम से हो रही है क्योंकि सीव ट्यूब एलिमेंट्स है जो उसके अंदर ऑर्गेनिक सोल्यूट लोड हुए थे अब उसी में से उसकी अनलोडिंग होनी है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लोएम अनलोडिंग हेर आर थ्री स्टेप्स ऑफ फ्लोएम अनलोडिंग फर्स्ट इज सीव एलिमेंट अनोडेड टू दिंक टिश्यू सिंक टिश्यू मे बी फ्लावर रूट और फ्रूट शोर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आफ्टर द अनलोडिंग ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट दीज सुस आर ट्रांसपोर्टेड टू द सिंक टिश्यू बाय मीन्स ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस बाथ हुई जो कि लोडिंग के टाइम पे जैसे मिजोफिल सेल से सी ट्यूब एलिमेंट में ट्रांसपोर्ट हुआ था वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट था तो इसी टाइप से जो सी ट्यूब एलिमेंट्स है वहाँ से, से ट्रांसपोर्ट होकर जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट है पेरेंकलाइमेट सेल्स हैं या स्टोरेज सेल्स हैं वहां पर जो ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग अनलोडिंग ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म अब जो डिफरेंट फ्रूट्स हैं फ्रूट्स के अंदर अलग जो शुगर जो सुक्रोज है वहाँ पे यूज हो रहा है मेटाबोलाइज हो रहा है वो हर एक जो स्टोरेज फॉर्म है उसमें सेम उसमें तो नहीं हो रहा किसी में जैसे सिट्रिक जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं तो सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है या फ्रूट्स हैं उनमें अलग से हर एक जो फ्रूट्स हैं उनके कॉन्सीट्स अलग हैं उसमें फ्लावर है तो उसमें उसका मेटाबोलाबोलिज्म जो है वो अलग होगा मीन्स डिपेंडेंट अपॉन देयर लास्ट प्रोडक्ट तो वहां पे उसकी क्या होगी जो भी ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं उनका वहां पे स्टोरेज होगा और मेटाबॉलिज्म होगा जो कि सिंक टिश्यू है उसके अंदर तो दिस दिस इज द कंप्लीट अनलोडिंग ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स लास्ट स्टेप इज ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स ये जो ट्रांसलोकेशन होता है मीन्स हमने सिंक टिश्यू की भी बात की है और सोर्स टिश्यू की भी बात की है सोर्स टिश्यू कौन सा है सीव ट्यूब जहां पे जो कि Supply end है, जो लीफ है जहां पर वो फूड है जो फोटोसिंथेट है वो बन रहे हैं ये है ट्रांसलोकेशन मूव एट द रेट ऑफ वन मीटर पर आवर जो की एक हाई रेट है एस कंपेयर टू द डिफ्यूजन डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है इससे काफी स्लो है तो अकॉर्डिंग टू दिस दिस कैन नॉट बी डू बाय द डिफ्यूजन सो ज ड्राइवन बाय ऑसमोटिकली जनरेटेड प्रेसर ग्रेडियंट मीनस जो मिजोफिल सेल्स है, है. यहाँ से ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्लो सीव एलिमेंट्स में एक्टिवली कैसे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सुगर प्रेजेंट है यहाँ पे सुगर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है कंपेरेटिवली मिजोफिल सेल्स की, बट फिर भी मिजोफिल सेल्स में शुगर बन रहे हैं और अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट वो सीव ट्यूब एलिमेंट में और जो कंपेनियन सेल्स है वहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं तो अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ट्रांसफर होंगे तो उसके लिए क्या उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी सो दीज आर एक्टिवली ट्रांसलोकेटेड टू द सीव ट्यूब एलिमेंट अब यहाँ पे अगर शुगर की जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाती है तो शुगर की कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो वाटर जाइलम सेल्स है वहां से मूव करना शुरू कर देता ऑस्मोटिकली क्योंकि यहाँ पे इसकी जो सोल्यु पोटेंशियल है वो कम हो जाता है वाटर पोटेंशियल जो कम हो जाता है तो उसकी वजह से जो जाइलम में वाटर प्रेजेंट होता है वो फ्लोइम टिश्यू में मूव करना शुरू कर देता है और उस वाटर की मूवमेंट की वजह से जो सेल का टर्गर प्रेशर है वो काफी इंक्रीज हो जाता है जबकि जो सिंक में टर्ग प्रेशर है वो इसके कंपेरेटिवली कम है तो इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो सोल्यूट प्लस जो वाटर है वो मूव करना शुरू कर देता है फ्रॉम द सोर्स सेल टू द सिंक सेल and this is called this um, movement of uh, solutes from mesophyll cell to the phloem is called phloem loading and from sieve tube element at the sink cell from sieve tube element to the sink tissue is called phloem unloading

सिंक जो डायरेक्शन होगी वो सोर्स से सिंक की साइड होगी क्यों सोर्स पे लगातार सिंथेसिस हो रही है सोल्यूर्स की तो वहां पे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है और सिंक पे लगातार कंजप्शन हो रहा है कंटिन्यूसली तो उसकी वजह से वहां पे क्या है कंसंट्रेशन कम हो रही है तो एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है और उसकी वजह से जो उसका फ्लो है वो हमेशा सोर्स टू सिंक रहेगा देर इज एन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्लो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मीन्स जो फ्लो है फोटोसिंथेटिस का वो चेंज होता रहेगा जैसे करो है, तो vegetative stage में क्या है उसकी न्यू लीफ बनेगी या फिर root की होगी। तो उसका अपवर्ड अगर आ, root की डेवलपमेंट हो रही है तो उसमें क्या है डाउनवर्ड फ्लो होगा केस ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड फ्रूटिंग स्टेज उसमें फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है फ्लावर की फॉर्मेशन हो रही है तो वो उसके अपवर्ड स्टेज पे होंगे तो उसमें क्या है लीफ से अपवर्ड मूवमेंट होगा तो वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द प्लांट रिक्वायरमेंट बोथ फ्लो होंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्लो इन वन सीव ट्यूब द फ्लो इज यूनिशनल एक जो सीव ट्यूब होगी उसमें फ्लो यूनिडनल होगा सीव ट्यूब मीन जैसे फोर या फाइव जो सीव एलिमेंट या मल्टीपल जो सीव एलिमेंट्स है उन्होंने एक सीव ट्यूब की स्ट्रक्चर कर ली उसके पैलर में सीव ट्यूब है तो एक सीव ट्यूब में एक टाइम पे जो फ्लो होगा वो यूनी डायरेक्शनल होगा अगर अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है तो वो उस सीव ट्यूब से नहीं होगी अगर एक सीव ट्यूब से अपवर्ड हो रही है तो उससे अपवर्ड ही होगी डाउनवर्ड उसी टाइम अगर मूवमेंट हो रही है तो उस सीव ट्यूब से नहीं होगी उसके अदर जो सीव ट्यूब है उससे होगी मीन्स सिंगल सीव ट्यूब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है एक टाइम पे बट देर आर सेवरल ऑब्जेक्शन टू मंच हाइपोथेसिस ऑल्सो फर्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिजोफिल सेल एंड रिसीविंग सेल इज नॉट ऑलवेज एज रिक्वायर्ड मीन्स जो ट्रांसलोकेशन तो हमेशा चलता रहेगा जैसे फोटोसिंथेट का बट उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अकॉर्डिंग टू दैट नहीं है हमेशा रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इज डिफरेंट बट अकॉर्डिंग टू मनस हाइपोथिस सोल्यूट मूव अलोंग विद वॉटर बट इफ देर रेट इज डिफरेंट देन दिस इज वेरी डिफिकल्ट नाइट्रोजनस सोल्यूट्स ऑफ फ्लोइम आर फाउंड टू भी कंसनट्रेटेड टुआड्स सिंक जो कि एक आइपोथिस था जिसमें ये था डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम सोर्स टू सिंक बट इन केस ऑफ नाइट्रोजनस सोल्यूट्स दे आर ऑलवेज दे आर ऑलरेडी कंसेंट्रेटेड इन दिंक देन दिस इज ऑब्जेक्शनेबल इट डज नॉट एक्सप्लेन द बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट विच इज कॉमन इन प्लांट्स जो बाई डायरेक्शनल फ्लो मेटाबोलाइट्स का उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्यूट वाटर डेफिशियंट प्रोवाइडेड द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल मींस जो क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस क्या है जो फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन है सोल्यूट का वो वाटर के साथ हो रहा है बट इन केस ऑफ ड्रॉट स्ट्रेस या वाटर डेफिशियंसी तो इन केस ऑफ वाटर डेफिशियंसी इट शुड बी अफेक्टेड मीन्स जो ऑर्गेनिक जो सोल्यूट हैं जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्लोएम के थ्रू अगर वो वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू मंच हाइपोथेसिस तो उनका जो ट्रांसपोर्ट का जो रेट है वो भी अफेक्ट होना चाहिए ड्रॉट स्ट्रेस की कंडीशन में वाटर डेफिशिएंसी की कंडीशन में जबकि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है नेक्स्ट इज सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप मींस जो सोर्स है जो सिंथेसिस हो रही है क्या मतलब लीव्स वो पर्टिकुलर स्टेज पे कौन से लीव्स किस लीव्स को फूड प्रोवाइड करेंगे या कौन से लीव्स किस पार्ट को फूड प्रोवाइड करेंगे ये नहीं है कि जो अपर वाले लीव्स हैं वो किसी भी को प्रोवाइड कर कोई भी सोर्स के लिए कोई भी सिंक हो सकता है ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर सोर्स के लिए एक पर्टिकुलर सिंक है एक पर्टिकुलर सिंक के लिए एक पर्टिकुलर सोर्स है द फ्लो ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज ऑलवेज फ्रॉम रूट्स टू लीव जैसे रूट वाटर का जो फ्लो है वो हमेशा रूट से लीव्स होगा बट सोर्स और सिंक के रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज होगा देर आर सेवरल प्रिंसिपल्स फॉर द सोर्स एंड सिंक पाथवे फर्स्ट इज प्रोक्सीमिटी मीन्स प्रोक्सीमिटी मीन्स जो उसके नजदीक है जो उसके नियर बाय है वो फैक्टर सबसे मेन है

लोअर लीव सप्लाई प्रीडोमिनेटली टू द रूट सिस्टम क्योंकि वो उसके नजदीक है रूट सिस्टम के तो वो उसको प्रोवाइड करेंगी इंटरमीडिएट लीव एक्सपोर्ट इन बोथ डायरेक्शन वो दोनों की प्रोक्सीमिटी में रूट और शूट टिप जो है तो इसलिए वो दोनों को प्रोवाइड करेंगे तो मेन सिग्निफिकेंट फैक्टर है कि वो नियर बाई किसके है प्रोक्सीमिटी सोर्स की कौन से सिंक से है तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा उसी के अकॉर्डिंग वो सोर्स और सिंक का रिलेशनशिप होगा नेक्स्ट इज डेवलपमेंट this is also an important factor because development decide what is the sink and what is the source in case of vegetative growth mainly sink is root and shoot because at that time main growth occurs in the root and the shoot but at reproductive stage the major sink is converted uh, diverted towards fruits or the flowers so development also plays major role in source and sink relationship थर्ड इज वस्कुलर कनेक्शन मीन्स प्रेफरेबल सोर्स टू सिंक सप्लाई इज अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्ट वस्कुलर कनेक्शन जो लीफ जिस सिंक के डायरेक्ट वस्कुलर कनेक्शन में होंगी वो प्रेफरेबली उसको ऑर्गेनिक सोल्यूट फास्टर प्रोवाइड करवाएंगे एज कंपेयर टू द अदर सिस्टम मोडिफिकेशन ऑफ द ट्रांसलोकेशन पाथवेज Means, कुछ इंटरफेरेंस आ जाती है जो नॉर्मल पाथवे है उसका उसके अंदर कुछ कैलस की फॉर्मेशन हो जाती है बन जाते हैं फ्लोएम उसमें तो उस केस में जो अल्टरनेट पाथवे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का जो वस्कुलर इंटरकनेक्शन है वो डेवलप कर लेते हैं और उसके थ्रू फिर वो ट्रांसपोर्ट करते हैं दिस इज द नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसलोकेशन फर्स्ट फैक्टर इज सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप

ट्रांसलोकेशन डिस्टेंस मीन्स जो नियर बाय वहां पर जो, जो ट्रांसलोकेशन होगा वो एज कंपेरिटिवली फास्टर होगा ड्यू टू लॉन्गर टू द लॉन्गर डिस्टेंस मींस जो लॉन्गर डिस्टेंस पे ट्रांसलोकेशन होगा वो जल्दी नहीं होगा एज कंपेयर टू द स्मॉलर डिस्टेंस लाइट लाइट अफेक्ट इनडायरेक्टली बाई अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस जो लाइट है वो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेंगे लाइट की जो इंटेंसिटी अगर कम है तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा रेट फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा तो लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फोटोसिंथेट्स लेस अमाउंट प्रोडक्शन होगा मीजोफिल सेल्स में तो सी ट्यूब एलिमेंट्स में भी लेस ट्रांसलोकेशन होगा तो उसकी वजह से वहां पे जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा सोर्स टू सिंक वो स्टिप ग्रेडियंट नहीं होगा तो उसकी वजह से जो ट्रांसलोकेशन का रेट है वो अफेक्ट होगा इन केस अगर इसके रिवर्स है लाइट इंटेंसिटी सफिशियंट है हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा उसकी वजह से मोर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा और रेपिड ट्रांसलोकेशन होगा टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसलोकेशन इज ट्वेंटी टू 30 डिग्री सेल्सियस इससे अगर लो होगा टेम्परेचर तो डिफ्यूजन के रेट को इफेक्ट करेगा और फ्लोएम लोडिंग को इफेक्ट करेगा हाई टेम्परेचर रेट पे जो सीव पोर्स होते हैं डिफरेंट जो सीव एलिमेंट्स के बीच में जो कि सीव ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैलेस तो वो भी कंप्लीटली इनहिबिट हाइयर जो टेम्परेचर है वो कम्प्लीटली इनहिबिट कर देता है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स को ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द वीन लोडिंग क्यों क्योंकि जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर्मेशन ऑफ ए और वीन लोडिंग के ड्यूरिंग एक्टिव लोडिंग होता है अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो इसलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या फिर ए जो कि विन लोडिंग के ड्यूरिंग उनकी ए की रिक्वायरमेंट होगी सम मिनरल्स लाइक बोरोन फेवर्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ में एक्टिव स्टेप्स है जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और अगर रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इनहिबिट होगी तो वो जो एनर्जी की रिक्वाय जो एनर्जी की फॉर्मेशन है वो बंद हो जाएगी जो कि अल्टीमेटली ट्रांसलोकेशन के रेट को अफेक्ट करेगी ग्रोथ हार्मोन्स There are various hormones which increase the rate of translocation by formation of new zinc and act as the strong mobilizing agent. So, many growth hormones increase the rate of translocation. Thanks.